प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जो आप टर्न रेशियो आप पढ़ते हो, जो टर्न रेशियो आप पढ़ते हो वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर का होता है बच्चे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का होता है, कभी भी आपके पास प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का कभी भी नहीं बोलेगा कि ये टर्न रेशियो होगा। ओके तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि सर हमारे को आज एक चीज तो पता चल गई, जो ये टर्न रेशियो होता है ये आइडियली होता है, ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है, ये कभी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल के लिए क्यों नहीं हो सकता? सर ये कॉइल थी, इसमें इधर हमारे को लिंक करना था सेकेंडरी कॉइल को, तो सर वो 25 वेबर इधर टच कर लेती, 75 तो छूट ही रहा था ना सर, उसके साथ ये लिंक ही नहीं कर पा रहा था। लिंक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना सर प्रैक्टिकली, बट आइडियली तो कुछ भी मान सकते हो ना यार, आइडियली तो आइडियली होता है तो होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बच्चे, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो टर्न रेशियो किसका होता है ये बच्चे? आपके पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर का होता है। ओके तो इतना सा समझ में आ गया। एक बात बताओ, आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया या दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? एक बार सभी बच्चे बता दो कि सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो, या हमारे को प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। और एनर्जी भैया किसी की खत्म नहीं होना चाहिए, ओके, एनर्जी बनाए रखना। और यार आप है ना लाइक वाइक है ना नहीं करते हो, सबसे बड़ी गलती यार, मतलब बनता है ना। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हमने पढ़ लिया, ये पूरा क्लियर है, ये क्रिस्टल पूरा हमारा क्लियर है, यहां पर कुछ दोबारा एक्सप्लेन करने की हमारे को जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस में हमने पढ़ा एक कॉइल थी उसको एक्साइटेड किया, सेकंड में पढ़ा कि एक दूर पड़ी कोयल थी उसको उससे प्यार हो गया, जो एक्साइटेड कोयल थी तो उसको हम उसके पास लेके आए, बेचारों को मिलाया, नहीं तो वो रो रही थी और ये इधर मजे कर रहा था, इसलिए दोनों पास में आए, फिर हंसने लगे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपके पास आपने सारा प्रोसेस देखा। ओके सर चलो ठीक है, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं केस थर्ड की ओर। अब आपके पास आता है बच्चे, अब होती है हमारी ट्रांसफॉर्मर के अंदर एंट्री। किसके अंदर एंट्री होने वाली बच्चे? ट्रांसफॉर्मर के अंदर। अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा ही नहीं था बच्चे, अभी तक तो हम बस ऐसे ही फालतू की बातें करते जा रहे थे। ओके अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर की। सर यहां पे जो आपने दो कॉइल ली है, ओके जैसे कि आपने ये ली है, ये ले ली आपने, एक कॉइल ले ली, चलो ठीक है, ये दो कॉइल आपने यहां पे ले ली, ये ले ली, ओके, और एक आपने इधर ये ले ली, ओके, एक को तो आपने एक्साइटेड कर ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं सर, एक कॉइल ही आपने यहां पे ले ली, ये तो बहुत दूर हो गया है, ज्यादा दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर देंगे। ओके अब देखो सर, एयर की परमियाबिलिटी, सर जो एयर होती है ना उसकी परमियाबिलिटी है ना सर बहुत कम होती है सर, दिस इज परमियाबिलिटी बच्चे, दिस इज परमियाबिलिटी, दिस इज परमियाबिलिटी, दिस इज परमियाबिलिटी। अब सबसे पहले तो जान लो, मैंने बोला था ना मटेरियल में हाथों उसी टाइम पे आपको समझाऊंगा। ओके परमियाबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले समझो परमियाबिलिटी क्या होती है, मतलब परमियाबिलिटी जितना आपके पास मटेरियल जितना परमियाबल होगा उतने ही नंबर ऑफ फ्लक्स वहां से ज्यादा फ्लो कर पाएंगे। मतलब आप चाहते हो कि आपके पास जो भी मटेरियल हो वो ज्यादा से ज्यादा परमियाबल हो तो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स उसमें से निकल सके। क्या चाहते हो आप? ज्यादा परमियाबल हो मतलब ज्यादा परमियाबिलिटी हो तो उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स वहां से ट्रेवल कर सके। समझ में आया? अब ये फ्लक्स को क्या कर देता है बच्चे? अलाउ कर देता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स को क्या कर देता है? अलाउ कर देता है। ये होती है हमारे पास परमियाबिलिटी। अब बच्चे एयर की परमियाबिलिटी तो आपके पास क्या होती है? कम होती है सर। कभी भी प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा, इसको आपने जब एक्साइटेड कर रखा है सर, जब इसको आपने एक्साइटेड किया सर, यहां से ये हमने एक्साइटेड किया। अब बच्चे जब आपने इसको एक्साइटेड किया, ये एक्साइटेड कर दिया सर, एक्साइटेड करने के बाद वोल्टेज आया, वोल्टेज से करंट का डेवलपमेंट हुआ, ये तो सारी चीजें हम पढ़ते हुए आए सर। लेकिन सर यहां पे जो सेकेंडरी कॉइल है बीच में यहां पे एयर आ चुका है, एयर आ चुका है तो इसकी परमियाबिलिटी एयर की क्या होती है? लो होती है। अगर एयर की परमियाबिलिटी बच्चे लो होती है तो कभी भी प्राइमरी वाइंडिंग का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कभी भी लिंक नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको क्या चाहिए बच्चे? परमियाबिलिटी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? परमियाबिलिटी आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। क्यों? ये भी तो मैं बता देता हूं। देखो
अरे यार बच्चों ये सोचो, आपने फ्लक्स पढ़ा ना, आप जिंदगी में ये जानते हो ना कि सर हम ये जानते हैं कि एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है, होता है ना। अगर एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है तो हम ये भी जानते हैं कि सर रिलक्टेंस इक्वल्स टू ये होता है वन अपॉन म्यू ए, ओके, वन एल अपॉन म्यू ए। अब ये बताओ कि अगर आपके पास ये परमियाबिलिटी बढ़ेगी बच्चे तो आपके पास रिलक्टेंस कम होगा, और रिलक्टेंस अगर कम होगा तो सर फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो सर मेरे पास ईएमएफ भी ज्यादा हमारे पास बिल्डअप होगा। सर समझ में है, ईएमएफ भी क्योंकि फ्लक्स से ही तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूज होता है बच्चे, ईएमएफ इंड्यूज होता है, ओके। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, इतना सा प्रोसेस आपको समझ में आ गया बच्चे। इसको इधर साइड में रफ वर्क लिख दूं, इसको रफ वर्क लिख दूं, दिस इज रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क, ठीक है सर। इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई। अब देखो, इसीलिए मैं क्या करता हूं बच्चे, यहां पे एक कोर डाल देता हूं, क्या डालता हूं बच्चे, एक कोर डाल देता हूं, ये मैंने यहां पे एक कोर डाल दी, ये मैंने कोर डाल दी। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर ऐसे होता है, देखो बच्चे बेसिकली आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये होता है, यही होता है ना, ये बेसिकली आप यही बनाते हो, उसका जो ट्रांसफॉर्मर होता है बच्चे ये होता है, उसका ये फ्रंट व्यू बनाता हूं हमेशा, उसका फ्रंट व्यू आपको दिखता है, ऐसे वाइंडिंग वाइंडिंग होती है उस पर, जो भी वाइंडिंग कर रखी थी, ये आपके पास ये कोर है, ये कोर है। तो ये कोर में ही नहीं, यहां पे ऐसे बताइए भैया, दो लाइन के डंडे बता दिए, ये आपके पास कोर है, ओके। इसके पहले आपके पास एक कोयल है, ये दूसरी कोयल है। अब इस दूसरी कोयल को है ना बच्चे मैं पास में लेके आ जाता हूं, थोड़ा सा ये दूर दूर दिख रही है तो अच्छी नहीं दिख रही, क्या दिख रही है सर, ये अच्छी नहीं दिख रही मेरे को, ओके। ये मैं इस कोयल को पास में लेके आ जाता हूं, चलो ये सर हम यहां पे लेके आ गए सर, ओके। ये हमारे पास कोर है सर, दिस इज कोर। अब बच्चे ये कोर क्यों डाली, कोर इसलिए डाली कि आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग तो आपकी एक्साइटेड है ना, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग इसको मैंने मान रखा है, तो ये तो आपकी एक्साइटेड है, ये एक्साइटेड है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूज हुआ होगा, ईएमएफ इंड्यूज हुआ तो इसके साथ म्यूचुअल कपलिंग इसके साथ हुई होगी, म्यूचुअल कपलिंग होने के बाद इसमें ईएमएफ इंड्यूज हुआ होगा, ओके। तो यहां पे एयर होता उसकी परमियाबिलिटी क्या थी सर, परमियाबिलिटी कम थी, अगर ये कम होगी तो रिलक्टेंस ज्यादा होगा, और रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो फ्लक्स कम होगा, और बहुत ही कम यहां पे आपको ईएमएफ मिलेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं सर, मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक कोर डाल देता हूं, ओके। अब ये कोर क्या है उसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं, हमने सिर्फ इतना यहां पे जान लिया। अब केस थ्री के अंदर भी दो केस और होते हैं, केस थ्री के अंदर भी दो केस और होते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है बच्चे, अगर मैं बोल देता हूं कि जो ये कोर आपने यहां पे डाली है, ओके, उसकी जो परमियाबिलिटी है वो टेंडिंग टू क्या है बच्चे, इनफाइनाइट है। क्या बोला, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मैंने इक्वल्स टू इनफाइनाइट नहीं बोला, टेंडिंग टू इनफाइनाइट मैंने बोला, इफ केस थ्री के अंदर ये बोल दिया मैंने, इफ परमियाबिलिटी किसकी, कोर की बच्चे, कोर की क्या है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि इक्वल्स टू इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन टेंडिंग टू इनफाइनाइट का मतलब यह है कि हम इनफाइनाइट की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं हम, इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है, ओके। इसलिए क्या होता है, टेंडिंग टू आपके पास क्या होती है, इनफाइनाइट, ओके। अगर आपके पास ये बोल दिया केस थर्ड के अंदर, मैंने फर्स्ट केस ये बोल दिया कि उसकी परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो बच्चे ये बताओ कि उसका रिलक्टेंस कितना हो जाएगा, अगर रिलक्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर रिलक्टेंस होता है एमएमएफ डिवाइडेड बाई एमएमएफ डिवाइड सॉरी रिलक्टेंस क्या होता है बच्चे, आप बोलोगे सर एल डिवाइडेड बाई म्यू ए। अगर ये होता है बच्चे, अगर आपको पता चल गया आपके पास परमियाबिलिटी किधर जा रही है,
टेंडिंग टू किधर जा रही है भैया, टेंडिंग टू किधर जा रही है, इनफाइनाइट। तो आपके पास रिलक्टेंस किधर जाएगा, आप बोलोगे दिस इज गोइंग टू टेंडिंग टू जीरो। रिलक्टेंस आपके पास यहां पे टेंडिंग टू जीरो जाएगा। अब सुनो आगे की बात, सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स। ओके, तो मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, वी रिक्वायर्ड फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स। मेरे को बच्चे फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स चाहिए। अब ये मेरे को फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स चाहिए, तो सर ये फाइनाइट ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैसे मेरे को मिलेगा, मेरा कंडीशन है। ओके, क्योंकि इनफाइनाइट फ्लक्स तो नहीं हो सकता ना, फाइनाइट ही होगा ना फ्लक्स। तो मेरे को फाइनाइट नंबर ऑफ फ्लक्स चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, फाई ऑफ टी इक्वल्स टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। और सर रिलक्टेंस तो आपका टेंडिंग टू क्या है, जीरो है। अब देखो आगे का रोल देखो सर, आपके पास आप बोलोगे कि सर एन आई ऑफ टी आपके पास एमएमएफ होता है और आपके पास रिलक्टेंस क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो। अब सर ये रिलक्टेंस आपके पास टेंडिंग टू जीरो है। अब आपके पास देखो कि अगर टेंडिंग टू जीरो तो सर फ्लक्स तो हमारे पास फाइनाइट जैसा या इनफाइनाइट जैसा दिख रहा है कि यहां पे, तो फ्लक्स आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है। अब देखो बच्चे नंबर ऑफ टर्न्स तो आपके फिक्स है कॉइल के, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये तो फिक्स है बच्चे, ये तो फिक्स है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को फाइनाइट नंबर ऑफ फ्लक्स चाहिए, तो मैं क्या करूं कि यहां पे जो ये करंट है ना, अगर मैं इसको जीरो बोल दूं, अगर मैं बोल दूं कि करंट है ना आपके पास क्या है बच्चे, इसको मैंने बोल दिया करंट रिक्वायरमेंट जीरो। करंट सुनते जाओ एक एक बात, करंट रिक्वायरमेंट जीरो। तो करंट का रिक्वायरमेंट मैंने जीरो कर दिया, तो बच्चे समझो यहां पे ऊपर वाला टर्म आपका जीरो हो गया, नीचे वाला टर्म भी आपका टेंडिंग टू जीरो था, मतलब जीरो बाय जीरो आपके पास बना। और जीरो बाय जीरो आपके पास बना, तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल, ये हमारे को फाइनाइट अमाउंट में कुछ वैल्यू देता है। किसके थ्रू, एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू ये हमारे को फाइनाइट वैल्यू देता है। देता है कि नहीं देता है बच्चे, देता है कि नहीं देता है, किसी को पता है इतनी सी मैथमेटिक्स कि जीरो बाय जीरो जो होता है ये फाइनाइट वैल्यू देता है। अगर ये फाइनाइट वैल्यू आपको मिलता है तो आपको पता चल गया कि यहां पे जो फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स मेरे को मिल रहा है, ओके, फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो मेरे को मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है बच्चे, वहां पे आपको सबसे पहली कंडीशन करंट का रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। करंट का रिक्वायरमेंट वहां पे क्या होगा, जो आप बोलते हो ना ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटाइजेशन करंट इक्वल्स टू जीरो, बच्चे वो इक्वल्स टू जीरो वहां पे बोलता है ना, लेकिन वो इक्वल्स टू जीरो कभी होता नहीं, वो टेंडिंग टू जीरो होता है। ओके, लेकिन आप न्यूमेरिकल पर्पज के हिसाब से आप इक्वल्स टू जीरो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल पर्पज के हिसाब से आप इक्वल्स टू जीरो मान के आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, बट लेकिन वो इक्वल्स टू जीरो नहीं होता, वो टेंडिंग टू जीरो होता है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि सर ये कहां से आया, फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स हमारे पास क्या आया सर, फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स कहां से आया सर हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल। ओके बच्चों समझ में आया, इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको ये पता चल गया कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ आपके पास फ्लक्स है और आपके पास बच्चे, मैं यहां पे कुछ वैल्यू लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास ई वन ऑफ टी है प्राइमरी वाइंडिंग है, ओके, जो आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग है वहां पे क्या है बच्चे, फाई एन एन वन फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा ऑफ टी,
ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा ऑफ टी, ओके। और आपके पास ई वन टू कितना है बच्चे, आप बोलोगे सर दिस इज एन टू फाइव एम ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा ऑफ टी, ओके, दिस इज फ्रैक्शन फैक्टर के। अब देखो बच्चे, अब देखो यहां पे आपके पास ये जो केसेस आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि सर ये मतलब आइडियली जैसा दिख रहा है आपको, आइडियल ट्रांसफॉर्मर जैसा दिख रहा है, आइडियली नहीं दिख रहा क्या? दिस इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ऐसा कुछ कंडीशन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहां पे कि सर ऐसा हम आइडियली कर सकते हैं, मतलब आप जीरो करंट का रिक्वायरमेंट उससे फाइनाइट अमाउंट ऑफ आप फ्लक्स लेके आ रहे हो, तो सर ऐसा लग रहा है कि ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आइडियली ट्रांसफॉर्मर है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर ये आइडियली ट्रांसफॉर्मर है बच्चे, तो आपको पता चल गया कि हमारे पास यहां पे जो टर्न रेशियो आएगा, यहां पे इस के का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, वन। तो बच्चे यहां पे आपको पता चल गया कि सर जो ई वन ऑफ टी है और जो आपके पास ई वन ऑफ टू है वो कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा हमारे पास टर्न रेशियो, ओके। क्या आ गया बच्चे, ई वन टू इक्वल्स टू एन वन बाई एन टू इक्वल्स टू ए, और ये होता है आपका टर्न रेशियो। तो सर आइडियली आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए इसीलिए आप बोलते हो ये आपके पास टर्न रेशियो होता है, टर्न रेशियो। तो मतलब इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा फ्लक्स आपका लिंक कर चुका है किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग से। इतना समझ में आया बच्चे, मतलब जितना प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स था वो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर चुका है सर, जितना यहां पे था ना, जितना यहां पे था, मैं दो लाइन बता रहा हूं ओनली, ओके, ओनली दो लाइन बता रहा हूं। अब इसको भी इसके अंदर ही ले लेता हूं, ओके, लिंक कर चुका है, लिंक कर चुका है, लिंक कर चुका है बच्चे, लिंक कर चुका है। और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है बच्चे E1 of T, और यहाँ पे हो चुका है बच्चे E1 2, और सर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लैंस लॉ दैट इज अपोज द कॉजेज। क्या बोल रहे हो सर, समझ में आया, मजा आया बच्चों, मजा आया? अब बताओ यहां तक किस किस को मजा आया, एक बार सभी बच्चे बता दो कि हाँ सर हमारे को मजा आया यहां पे, ओके। तो मतलब आपको यह पता चल गया बच्चे कि आपको फाइनाइट फ्लक्स पाने के लिए जो करंट का रिक्वायरमेंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ओके, समझ में आ गया कि फाइनाइट फ्लक्स के लिए करंट रिक्वायरमेंट फॉर फाइनाइट फ्लक्स कितना होगा सर, नेग्लिजिबल। करंट रिक्वायरमेंट आप बोलोगे सर दिस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये आपके पास जो करंट का रिक्वायरमेंट होगा नेग्लिजिबल होगा, मतलब इक्वल्स टू जीरो, आप न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आप क्या बोलते हो, दिस इज जीरो, ओके। तो हमारे को इतनी कहानी सर समझ में आ गई, केस वन हमारे को प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ में आया, केस टू हमारे को प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ में आया, और जो थर्ड केस जो हमने देखा, ऐसा लगा थर्ड केस में अभी तक हम ट्रांसफॉर्मर में एंट्री नहीं करने वाले थे, लेकिन सर यहां पे जो आपका थर्ड केस था ना, इसने शायद ट्रांसफॉर्मर में एंट्री करने के लिए बोल दिया है हमारे को, ओके, क्योंकि इसने कोर का है ना सर, कोर का यहां पे इनफाइनाइट की ओर टेंड कर दिया है, क्या, परमियाबिलिटी, और इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है सर, तो इसका ईएमएफ जितना प्राइमरी में फ्लक्स होगा उतना सेकेंडरी में होगा, जितना प्राइमरी में ईएमएफ होगा उतना सेकेंडरी में होगा सर, इतनी सारी चीजें हमारे को समझ में आ गई, ओके, चलो ठीक है। इसमें बी केस क्या पढ़ते हैं, इसमें बी केस क्या पढ़ते हैं कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर अगर फ्लक्स जो परमियाबिलिटी है वो तो आपने सर इनफाइनाइट करके कोर का परमियाबिलिटी आपने इनफाइनाइट कर दिया है,
उसके बाद आपने फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स लेके आए, उसके बाद आप टर्न रेशियो लेके आ गए, क्योंकि आपने ऐसा बता दिया कि जितने प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स होंगे उतना ही सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर जाएंगे। तो आपके प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ और सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ दोनों के दोनों सेम कर जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, तो अब देखो बच्चे, अब इसके बाद आता है सर, इसके बाद यह आता है कि इफ परमियाबिलिटी ऑफ कोर, अगर कोर का परमियाबिलिटी में टेंडिंग टू जो इनफाइनाइट कर रहा था वो नहीं करता हूं, वो नहीं करता हूं, दोबारा इसको अच्छे से लिख देता हूं, इफ इफ परमियाबिलिटी ऑफ कोर, परमियाबिलिटी ऑफ कोर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये नहीं करके बच्चे, इसको इनफाइनाइट नहीं करके हम क्या कर देते हैं कि आपके पास परमियाबिलिटी क्या है बच्चे, परमियाबिलिटी क्या है, बहुत लार्ज है बच्चे, वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। ओके, परमियाबिलिटी क्या है बच्चे कोर की, वेरी वेरी लार्ज। तो आपने बोल दिया सर वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, अगर वेरी वेरी लार्ज आपने कर दी। अब देखो, अभी तक मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि कोर का मटेरियल आपने कौन सा यूज किया, अभी मैं डिस्कस नहीं करने वाला, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर में, कैसे क्या होगा, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो अब देखो, परमियाबिलिटी ऑफ कोर वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा, मतलब नॉट टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा क्या लोगे सर यहाँ पे, हम क्या ले लेंगे सर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या ले लेंगे सर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हमने जो अब कोर यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिकली तो आपको यही करना पड़ेगा ना बच्चों, प्रैक्टिकली तो आपको यही करना पड़ेगा, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे सर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आप आइडियल की थोड़ी बात करोगे बच्चे, प्रैक्टिकल की बात करोगे ना, हम तो प्रैक्टिकल में जीने वाले बात आदमी है ना सर, हम आइडियली थोड़ी है। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे कि अगर मैं कोर का परमियाबिलिटी क्या कर देता हूं, मैं लार्ज कर देता हूं। ओके, तो बच्चे ये बताओ कि अगर आपके पास परमियाबिलिटी लार्ज हो गई तो रिलक्टेंस के बारे में बताना कुछ, कि सर एल डिवाइडेड बाय म्यू ए होगा, होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि सर दिस इज वेरी वेरी लार्ज। ओके, और ये क्या होगा सर, बहुत ही बहुत कम, रिलक्टेंस आपका कम हो गया, रिलक्टेंस कम हो गया तो सर हम ये भी बोल सकते हैं कि सर जो फ्लक्स होगा वो सर होता है एमएमएफ, एमएमएफ क्या होता है सर, एन आई ओ टी डिवाइडेड बाई क्या होता है बच्चे, रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस आपका बहुत बहुत कम हो गया तो आपके पास फ्लक्स कितना हो गया, बहुत बहुत ज्यादा हो गया, फ्लक्स आपको मिल चुका है बहुत बहुत ज्यादा। अब देखो यहां पे कोई एमएमएफ का कोई फर्क पड़ा, एमएमएफ का कोई फर्क पड़ा नहीं सर, यहां पे इस फ्लक्स को डेवलप करने में इस एमएमएफ का कोई फर्क नहीं पड़ा है सर, इस एमएमएफ का कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहां पे जो इफेक्ट दिख गया हमारे को रिलक्टेंस से दिख गया और फ्लक्स से हमारे को दिख गया। तो सर आपने परमियाबिलिटी यहां पे इनफाइनाइट नहीं ली है, आपने जो परमियाबिलिटी ली है वो फाइनाइट ली है, तो यहां पे जो ये मैग्नेटाइजेशन करंट जो आप ट्रांसफॉर्मर में बार बार यूज करोगे कि मैग्नेटाइजेशन यूज होती है फ्लक्स क्रिएट करने के लिए, मैग्नेटाइजेशन यूज होती है फॉर फ्लक्स डेवलपमेंट के लिए, पढ़ते हो ना कि मैग्नेटाइजेशन करंट क्या करती है, फ्लक्स का डेवलपमेंट करती है। अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अभी तक सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि बच्चे रिलक्टेंस आपके पास बहुत बहुत कम हो गया, फ्लक्स आपके पास बहुत बहुत ज्यादा हो गया, तो यहां पे इस करंट का रिक्वायरमेंट कितना पड़ा, इस करंट का रिक्वायरमेंट कितना पड़ा। आप बोलोगे सर मतलब ये बहुत बहुत कम है ना, बहुत बहुत कम है और ये बहुत बहुत ज्यादा है, इस टर्न से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो ये करंट है ना ये क्या होगी, वेरी वेरी लो, जीरो नहीं बोल सकते, वेरी वेरी लो। ओके, तो आप बोलोगे वेरी वेरी लो, या ऐसे बोल सकते हो
वेरी लो अमाउंट, वेरी लो अमाउंट, लो अमाउंट। यहां पे जो करंट होगी वो क्या होगी, वेरी लो अमाउंट की होगी। ओके तो हमारे को इस तरीके से आपको यहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब आपके पास कोर आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होगी, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपके पास सेकेंडरी कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर पाएगा, सेकेंडरी कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर पाएगा। इसीलिए तो बच्चे दो कोयल के बीच में आप एक कोर डालते हो, अगर वो कोर नहीं डालते तो आप क्या कभी भी प्राइमरी में जितना इंड्यूस ईएमएफ था सेकेंडरी वाइंडिंग में उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस कर देते क्या सेकेंडरी वाइंडिंग में? नहीं कर पाते ना बच्चे, क्योंकि एयर का परमेबिलिटी बहुत कम था तो भैया पूरा का पूरा लीक कर जाता। ओके लिंक कभी भी नहीं कर पाता। ओके लिंकिंग का जो प्रोसेस आता है वो ट्रांसफॉर्मर में ही आपको देखने को मिलता है, बट कटिंग का, फ्लक्स कटिंग का प्रोसेस जो आपको देखने को मिलता है वो जनरेटर में देखने को मिलता है। लिंकिंग का प्रोसेस कहां पे देखने को मिलता है आपको? ट्रांसफॉर्मर में देखने को मिलता है। और आपको कटिंग का प्रोसेस कहां पे देखने को मिलता है बच्चा? जनरेटर में देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आएगा। अब ये प्रैक्टिकली है, ओके कुछ मतलब बहुत कम परसेंटेज के अंदर, बहुत कम परसेंटेज के अंदर आपको करंट की रिक्वायरमेंट होगी फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए। इतनी सी बात समझ में आई? एक बार और रिपीट कर लेते हैं सर। देखो सर, केस थ्री दो कोयल हैं, बीच में कोर है। एक बार आपने बोला कि सर परमेबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो वहां पे फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स चाहिए। तो उसके लिए आपने बोल दिया कि करंट का वैल्यू भी टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, और जीरो जीरो बाई क्या होता है हमारे पास? फाइनाइट होता है। तो ऐसे हम फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स लेके आ गए, ठीक है। आप देखो बच्चे, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा आपके पास जितना फ्लक्स था वो सेकंड के साथ लिंक कर गया, मतलब के का वैल्यू वन हो गया, तो ये टर्न रेशियो हो गया, मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर जैसा आपको कंडीशन दिख रहा है। ओके अब आगे बढ़े सर, परमेबिलिटी हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कर सकते सर, आप आइडियली बोल रहे हो सर, हम प्रैक्टिकली चाहते हैं, हमारे को जो यूज करना है ना वो चाहिए। तो भैया आप ऐसा करो, जो कोर यूज करते हो ना वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की आप यूज कर लो, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके अगर उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो सर उसका रिलक्टेंस कम होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो सर फ्लक्स का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। ओके अब यहां पे बच्चे आप यहां पे जो आपके पास इसको जीरो टेंडिंग तो जीरो तो नहीं किया ना, इसको कम से कम किया, तो इसलिए मैंने करंट को भी क्या कर दिया? कम से कम कर दिया। ओके नॉट इक्वल टू जीरो मतलब थोड़ा सा आपको रिक्वायरमेंट होगा। ओके इसीलिए आपने यहां पे वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट आपने यहां पे कर दिया है। ओके अब ये जितने भी मटेरियल जहां पे आने वाले हैं ना, देखो ये मटेरियल का जो भी डिस्कशन होगा ना कि व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अरे भैया ये एक मेमोरी होती है, मेमोरी अपने पास स्टोर करके रखती है। ओके तो इनका जो डिस्कस होगा ना हम डीसी मशीन में बहुत अच्छे तगड़े वाले से करने वाले हैं। ओके अभी जो हमारे को रिक्वायरमेंट है ना बस उनको समझते जाओ। हाँ सर हमारे को यहाँ पे इन इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, बस इतना ही पढ़ो। ओके देखो अब देखो बच्चे इतनी तो हमने बात कर ली, अब हम ट्रांसफॉर्मर की बात कर लेते थोड़ा सा सर केसेस हमने पढ़ लिए। अब देखो सर तभी तो बोलते हैं सर ट्रांसफॉर्मर तो इतना अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब इसमें इतना मजा आता है। देखो पढ़ाने वाले को भी मजा आता है और सुनने वालों को भी मजा आता है। ओके तो आप भी मतलब अपनी जिंदगी अच्छे से बना रहे हो, अच्छे से काट रहे हो ट्रांसफॉर्मर को सुन रहे, एक एक चीज समझ में आ रही है ना, तो इसलिए तो एक दोहा सुनाता हूँ चलो ठीक है आपको, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, थककर ना बैठे राही, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ओके तो इसी एनर्जी के साथ हमारे को आगे बढ़ना है। अब देखो आगे का प्रोसेस। ओके देखो चलो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर था, दिस इज ट्रांसफॉर्मर, बस इंजॉय करते रहो यार, मतलब इंजॉय करते रहो है ना, सीरियस मत लो किसी भी चीजों को, जिन चीजों को आप सीरियस ले लोगे ना फिर उसमें कभी मजा नहीं आ सकता, इसलिए आपको चीजों को है ना सीरियस नहीं लेना है बच्चों। देखो अब हमारे पास हो गया सर ये ट्रांसफॉर्मर, जहां पे अभी तक मैंने कोई लोड कनेक्टेड नहीं किया है उसी की बात करने जा रहा हूं, बीच में डाल दिए मैंने कोर जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है।
ओके दिस इज परमेबिलिटी। ओके परमेबिलिटी इसकी क्या है, वेरी हाई, वेरी हाई मतलब मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। ओके अब देखो बच्चे, अब सर इसको जब आपने एक्साइटेड किया, इस कोइल को एक्साइटेड किया, आपने बहुत सारी चीजें सीखी है सर जब आपने इसको एक्साइटेड किया। देखो सर ये हमने इसको एक्साइटेड कर दिया,